कमेंट आ रहे, तुम्हारी बहू को कमेंट आ रहे, जो भी, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? कल को मुझे यूट्यूब बंद करने के लिए बोल दे, बस तो बोलेंगे नहीं, खैर मेरी फैमिली ऐसी है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अगर गलती से। तो गाइस क्या हम इसको खेती बाड़ी कह सकते हैं? मुझे लगा आठ बजे तक पहुंचेंगे, पर वो ज्यादा जल्दी पहुंच गए, इसलिए हम अभी सुबह सुबह जा रहे हैं हम चौपट्टा उनको मिलने। तो चलो आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ, और काफी ठंड लग रही है, अब मैं फटाफट कैप डाल लेती हूँ। नमस्ते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो बॉस, बैठ जो पापा और तो चले गए। अरे हमारे दूल्हे राजा जिसकी शादी है, जिसकी शादी में जाने दो चार दिन में, नहीं बनवाई ना दाढ़ी, मिल गई शांति है, मिल गई। इधर देखो, इधर देखो, चाइनीज लगा रखे। मुझे अभी मत दिखा, मैं कल परसों दिखाऊंगा दादी दादा और की वैसे लगी। आपको कैसा लग रहा है मैम? इधर घूमे जा रहा है, बाल क्यों करवाए इतने छोटे? कल लोग कल इसकी घूमे लड़की नहीं देखी तूने? अभी गाड़ी का सफर करके आए ना, हालत खराब हो रही है, कम आराम के बीच में पूरा समा कर बुढ़ी लग गई मम्मी, बुढ़ी बुढ़ी सी हो रही बोली उधर जा, ये मेरा बुल्ला है, बुल्ला जिसके चक्कर में इतनी सारी बहने होगी, ये बुला ये वो बुला है ना, आइए आपका इंतजार था। तो मेरे खुद घर नहीं लग रही थी, कैसे मुंह बना रखा इसने, स्माइल स्माइल जरा ऐसा कर कि मेरा भाई ढंग से है, इसे पापा की शक्ल आती है। गाइस मम्मी और जा रहे बड़ी मम्मी के गांव, मतलब सामने ही है, और ये देखो मम्मी झोले पोले लेके चली गई है, तो ये बैग छूट गया उस कार में जा रहे हैं, वो हमारा बैग है, और ये हमारे साथ आ रही महारानी मेरी छोटी सनु भाई, गुलाब से जा रही, लेके जा रही, लेके जा रही, बाय बाय, ओके बाय, कल परसों मिलेंगे, तो बाय बाय मम्मी, चल मम्मी और जाएंगे इसमें और हम चलते हैं घर, बाय। तो हम भी घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सीधा घर पे, ठीक है? एक मेहमान लेके जा रहे हम, एक मेहमान, आप भी जैसा, आप खाना वाना हमने खा लिया है, खाना खा लिया हमें फुल, और पति देव तैयार हो गए हैं, कामनी तैयार हो रही है आज, ये जा रहे हैं अकेले अकेले, अकेले अकेले जा रहे हैं मुझे छोड़ के, हमने तुमको भी बोला था पर तुम नहीं आ रहे हो अभी हमारे, तो ये लोग जा रहे हैं, जा ले तू भी, ये तो बोल था जा ले, ना ना मैं नहीं, मैं उल्टू नहीं यार, मैं कपलाट कपलाट हूँ, उल्टी तो नहीं हो रही। तो गाइस पतिदेव भी जा रहे हैं आज देहरादून, तो फिर अब वो पता दो तीन दिन में कब आएंगे, तो बस अब चलते हैं, मेरा क्या रबड़ काम के लिए रबड़ भी लेके जाती हूँ, मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि वैसे तो ड्यूटी तो जाते हैं, पर वैसे हम कितने टाइम बाद ऐसे ना दूर दूर रहेंगे, मैं राहुल
तो कोई नहीं, आज के मेरी बहन है यहाँ पे तो इतना वो नहीं होगा ना थोड़ा सा। गाइस फाइनली ऊपर का काम तो सारा निपटा लिया मैंने, साड़ियों पे फॉल वगैरह लगाना रहता था मैंने, अभी कल परसों शादी में जाऊंगी ना तो साड़ियों पे फॉल लगाना रहता था वो मैंने लगा दिया है। और अब हो गया दिन के खाने की तैयारी करते हैं क्योंकि एक बच्चों के वैसे भी मम्मी आने वाली होगी। और मेरे पास कुछ पड़ा नहीं था परांठे बनाने के, तो मैं पास पत्ता गोभी पड़ा है, जरा मैं इसके परांठे देखती हूँ कैसे बनते हैं इसको, मतलब पहले जैसे उसको क्या बोलते हैं उसको नॉर्मल गोभी को जैसे वो करते हैं ना फ्राई करके बनाते हैं परांठे, कद्दूकस करके और मतलब क्रश वगैरह करके वो करके ना फ्राई करके उसके बाद बनाते ना जैसे परांठे, तो आज मैं वैसे करके बना के देखती हूँ क्या बनता है इसका। ठीक है, ये हमारे टुकु आ गया। भाभी ने आपकी दो चोटी बांधे, दिखाओ सबको, दिखाओ अपनी दो चोटी दिखा कहे आपस में लड़ रहे हैं, बड़ी खुशी है देखो। ए मम्मी बोल, मेरे दा बोलो इन्हें पुणे जा, मेरा पुणे जा, मेरा तुम मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, गुस्सा पर गुस्सा गुस्सा काटो, तू काटो टकलो, ये कार्टून। ठीक है, भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है तुम्हारी। गाइस मैंने वो पत्ते को भी जो बताया था आपको मैंने बना लिया है, मसाला तैयार कर लिया, मतलब अब आटा गूंथती हूँ और उसके बाद लास्ट में देखते हैं कैसे बना है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे पहले नहीं बनाया मैंने कभी ऐसा पत्ते गोभी के परांठे, तो आज देखते हैं क्या बनता है इसका। आपके साथ ना थोड़ा सा कुछ मतलब आपसे, मुझे नहीं पता कि मुझे शिकायत करनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कल जो प्रैंक वाला वीडियो था हम लोगों ने आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए, मतलब ऐसा एंटरटेन करने के लिए आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है आपने देखा, आपको मजा आया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है लाइक किया आपने तो कमेंट किए, लेकिन उसके बीच में मैं कल इतने कमेंट डिलीट किए मैं कसम से बता नहीं सकती, कल मुझे इतने कमेंट आए हैं परसों उस वीडियो में कि क्या कि खुद मतलब खुद इधर उधर घूमते रहते हो तुम, तुम्हारे सास काम करती है अलाना फलाना फलाना, जो भी इतने कमेंट मैंने रिप्लाई दे के मैं मतलब बता नहीं सकती। आपको पता क्या होता है, अगर किसी को ना मोटिवेट नहीं कर सकता डिमोटिवेट मत करो प्लीज, क्योंकि अंदर से ऐसा होता है कि हम चाहे सोचे ना सोचे लेकिन वो चीज दिमाग में घूमने लग जाती है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं कल 2 बजे रात को उठ गई थी, मेरे को उस चीज में मुझे नींद नहीं आई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू कमेंट मत पढ़ा कर, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन बज रही होती है ऊपर, तो नोटिफिकेशन ऐसे मैं ऑफ कर सकती हूँ लेकिन मुझे ऑन रखनी पड़ती है क्योंकि कई बार कुछ काम पड़ सकता है यूट्यूब से, है ना, तो इसलिए मुझे ऑन रखनी पड़ती है। लेकिन उसमें आप लोग कैसे कमेंट आ रहे हैं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, नहीं मेरी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं घर का काम करने में, आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। अगर जिस दिन मम्मी जी मुझे बोलेंगे कि हाँ तो घर का काम करना कर लूंगी, और सेकंड थिंग की कि जो रोटी बनाने वाली बात हुई थी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा एक बार दोबारा फिर से बता देती हूँ अगर आप लोग चाह रहे हो कि मैं आपको बार बार वही चीज रिपीट, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मैं चंडीगढ़ रहती थी भाई, मुझे नहीं आती चूल्हे में रोटी बनानी, क्या कर सकते हो उसमें मेरी गलती तो नहीं है ना कि मुझे चूल्हे के अंदर रोटी बनानी नहीं आती, सब्जी बना लेती हूँ मैं, दाल बना लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, हर चीज तो बना लेती हूँ, सिर्फ रोटी सेकने की दिक्कत होती है मुझे, तो मम्मी जी कर लेते हैं उसमें, तुम लोगों को क्या दिक्कत है। जब मम्मा मुझे खुद बोलेंगे, जब ऐसा होता है कि मम्मी थकी होती मैं गैस में रोटी बना लेती हूँ ऐसा कोई इशू नहीं है, और सेकंड चीज की मेरी मम्मी नहीं बोल रही मुझे काम करने के लिए आप लोग होते कौन हो, और थर्ड ये कि मतलब अभी मैं अगर काम नहीं करी, आजकल आपको पता है कि काम का सीजन नहीं है गांव में, आजकल काम वगैरह है नहीं, तो आजकल आप लोग कैसे कमेंट आ रहे हैं कि काम नहीं करती है वो सास काम करती है लाना फलाना जो भी होता है आपका, इतने कमेंट आते हैं। और उस टाइम पे कहाँ थे आप लोग जिस टाइम पे मैं इतना काम करती थी, या मतलब पिछले दो महीने की वीडियो देखेंगे आप तो उसमें इतना काम था कि घर में बैठने की फुर्सत नहीं थी मेरे पास उस टाइम पे, उस टाइम पे तो आपने कमेंट नहीं किया कि हाँ कि अच्छा काम करो या लाना फलाना जो भी होता है। अब आप मतलब कमेंट करने के लिए स्पेशल घुसोगे उसके अंदर मेरी वीडियो के अंदर कि आप देखोगे नोटिस करोगे कि क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, और क्या सास के सामने ऐसे मत बैठा करो, सासुर के सामने मैं जैसे मर्जी बैठू, मेरी मर्जी मैं जैसे मर्जी बैठू, और मुझे रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। और दूसरी बात है कि एटीट्यूड वगैरह की बात करते हो ना आप, मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है, जो भी है पॉजिटिव है कि हाँ कि मुझे कोई गलत कैसे बोल सकता है जब मैं गलत नहीं कर रही हूँ वहाँ पे, अगर मैं कहीं पे गलत कर रही हूँ आप लोग बोलेंगे मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों ने ना मतलब ऐसे बातें कमेंट करते हो यार कि मेरे दिल पे ऐसा होता ना कि मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मैं रुक नहीं सकती, मेरे कोई रीजन है उसका भी कि मैं वीडियो बनाना छोड़ नहीं सकती। बाकी सवेरे मम्मी जंगल जाती, मैं जंगल कल परसों तक मैं जा रही थी, अब मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि जो नजदीक नजदीक के आसपास
जंगल थे वहां पे घास नहीं बची, अब दूर दूर जाना पड़ता है, तो नहीं जाने दे रही मम्मी मुझे, खुद नहीं लेके जा रही। और एक बंदा आपको पता है कि घर के काम में भी एक बंदा चाहिए होता है, एक बाहर जा रहा था, एक घर का घर पूरा घर संभालने के लिए एक बंदा घर में होना चाहिए। अब कोई थक हार के आ रहा है उसको खाना खुना बना के दे रही हूँ तो वो मतलब अच्छी बात नहीं। अब ऐसा होगा कि हम थक के आएंगे फिर हमें ऐसा होगा कि यार खाना बनाए ना बनाए ना बनाए, ऐसा होता भूखे सो जाए, वो ठीक लगेगा आप लोगों को? खैर मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि किसी के कमेंट पे इतना रियर करो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा यार कि आप लोग मतलब कब से मेरी वीडियो देख, अगर मतलब जो इंसान ऐसा कि चल जो नहीं देख रहा वीडियो उसको तो मैं मानती हूँ, लेकिन कई लोग तो मेरी वीडियो कब से देख रहे हैं उसके बाद भी आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि हाँ मैं कुछ काम नहीं करती है वाला ना फलाना, फिर ये बात तो बेकार है यार, है ना? इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट से कोई मतलब नहीं, लेकिन कल को क्या होता है कि हमारे गाँव में भी और लोग भी रहते हैं जो कमेंट पढ़ते हैं स्पेशल, और कल को अगर उन्होंने मम्मी जी के पास बोल दी ये बात कि ऐसा ऐसा तुम्हें कमेंट तुम्हारे बारे को कमेंट आ रहे, तुम्हारी बहू को कमेंट आ रहे, जो भी, तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? कल को मुझे यूट्यूब बंद करने के लिए बोल दें, बस तो बोलेंगे नहीं, खैर मेरी फैमिली ऐसी है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अगर गलती से हो गया ये फिर बस ये बोलना था यार, मेरे परसों से ना टेंशन चल रही दिमाग में बहुत ज्यादा कि आप लोग कैसे उल्टे फुलटे कमेंट कर। अगर सिंपल सी बात है आप वीडियो देखो, नहीं देखनी तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते हो तो प्लीज इतना नेगेटिव मत करो, प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जो मर्जी हो मुझे ऐसे कमेंट अपने उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप लोग अगर मेरी गलती मुझे समझाने के लिए कुछ बोल रहे हो इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हाँ कि आप बोल रहे हो कि ये मत करो वो मत करो, अगर वहां पे मेरी गलती होगी इट्स ओके, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे समझाओगे तो मुझे ऐसा होगा कि यार मेरी फैमिली मुझे कुछ बताना चाहती तो मैं फिर मतलब उसको पॉजिटिव उसमें लूंगी ना, अब आप खुद ही नेगेटिव फैला रहे हो तो क्या होगा यार उसमें, है ना? तो छोड़ो इस बात को, और बस अब थोड़ा सा मैडम कहते हैं मुझे कर क्या रही है, कहते आज तो दिमाग का होगा। खैर मैं बिल्कुल ऐसी हूँ भी नहीं कि ऐसे उल्टे पुलटे बोलू मैं, लेकिन वो चुप जाते कहीं बार दिल पे बात यार। तो अभी बस खाना वाना खा लिया हमने, नाश्ता वास्ता कल आज मैंने परांठे बनाए हुए थे, कैसे बने तो कुछ मतलब मैं शादी के बाद अच्छा खाना बनाना सीख गई हूँ कि शादी से पहले ज्यादा अच्छा बनाती थी, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्टार्ट कर दिए तो गाइस अभी हम थोड़ी देर बाद गोबर वगैरह डालने जाएंगे, तुम आओगे मैम मेरे साथ? पैदल चल लूंगे देखने में इसको घुमाने लेके जाऊंगी थोड़ा रोड पे, क्योंकि आज ये पहली बार आई यहाँ पे और राहुल भी नहीं, वरना हम कहीं मोमोज वगैरह खाने जाते हैं इसके साथ, और स्कूटी आज श्रीनगर जा रखी है तो मैं कहीं इसको लेके भी नहीं जा सकती, अब वो 2-3 दिन में आएंगे तब उसके बाद देखेंगे, अभी फिलहाल हम जाएंगे रोड पे है ना घूमने, ठीक है? तो जो मार्केट ना सही पर रोड पे कुछ खिलाऊंगी, रोड़ी मिल जाएगी। तारा भाभी बोल हमारी चंद बोलो गाइस अब हम जा रहे हैं मोल फेंकने और घास काटने घास को लेके जा रहे हैं गाइस, घास खत्म हो गई थी मतलब घास हरी घास था, पर जो गाय को दूध निकालते टाइम जो देते ना घास भीमल बोलते तो उसको वो नहीं है ना, तो उसमें जा रहे हैं। सो गाइस क्या हम इसको खेती बाड़ी कह सकते हैं? ये इस तरीके से गोबर फेंक रहे जैसे आसपास कोई होगा ही नहीं, कौन है आसपास से? ये इसने आधा गोबर तो मेरे ऊपर गिरा दिया। अरे गोबर इसके ऊपर जाएगा, ये है धान हो रही है ना इसमें पता है इसमें स्मेल नहीं आती सूखे हुए गोबर में ना, इसमें नहीं आती, तो इसको देखे घूर से भी नहीं लगती। सो शी कैन इजीली डू दिस।
तरीके से यहाँ पे ये मोल फेंकती हुई हमारी क्या से क्या हो गई, हमारी पंजाब की सीखड़ी। सो अब हम थोड़ा जरे और खतरनाक रास्ते हैं यार यहाँ पे, एंड देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रही है। ध्यान से भी खतरनाक टास्क करते हुए खतरों के खिलाड़ी। अब काटेंगे गाइस हम चाय के लिए। धीमल अच्छे से काटना नहीं आता, तो मतलब नीचे मत। So guys, अब ये इस पेड़ में चले गए क्योंकि उस पेड़ में जो भीमल होता है वो कम पड़ गया था। खराब हो गया ना वो काफी टाइम से काटा रोक दे। तो गाइस मैंने आटा गूंद लिया है यहाँ पे और पालक पनीर मैंने रख दिया बनाने के लिए। बनाने के लिए क्या मतलब वो क्या बोलते हैं पालक उबालने के लिए, उसके बाद में सिलबट्टे में पीसूंगी, उसके बाद बनेगा हमारा पालक पनीर। और ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मज़ा आएगा। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें ताकि बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आज का ब्लॉग करेंगे यहीं पे समाप्त, कल मिलेंगे आपसे फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ।